भाइयों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे कि सेक्शन 9 के बारे में। बहुत सारे लोगों से मैंने सुना, बहुत सारे वकील लोग ये सजेस्ट करते हैं कि आप एक काम करो, आपकी पत्नी नहीं आ रही है, आप एक काम करो, सेक्शन 9 का केस फाइल कर दो। सेक्शन 9 हिंदू में रिजेक्ट, सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। लेकिन इससे फायदा क्या है लड़के को और इससे फायदा क्या है लड़की को और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, उसी के संबंध में आज हम बात करेंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त परमदत्त, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि कि ये जानकारी लोगों तक पहुँचे। क्योंकि काफ़ी लोग मैंने देखे हैं, बहुत से लोगों के मुँह से मैंने सुना है कि अगर सेक्शन 9 का परिवाद अगर फाइल कर दोगे तो आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, आपको आसानी से डाइवोर्स मिल जाएगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों के जवाब मैं आज देने वाला हूँ। इसमें उसमें बताऊंगा कि किस तरीके से आपको फायदा होगा और किस तरीके से आपको घाटा हो सकता है और सेक्शन 9 के कहाँ तक फायदे हो सकते हैं। पहली बात कि अगर लड़के ने अगर सेक्शन 9 का केस फाइल किया तो पहली बात तो उसको पूरी प्रोसीडिंग से गुजरना पड़ेगा, और अगर इन द केस अगर सेक्शन 9 की डिक्री अगर उसके फेवर में हो गई तो उस सेक्शन 9 की डिक्री को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। एग्जीक्यूट मतलब उस सेक्शन 9 की डिक्री को आप एग्जीक्यूट नहीं करा सकते उस महिला के ऊपर, यानी कि आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। कोर्ट भी बाउंड नहीं है कि वो आपके पास में ही रहे, और अगर आपके फेवर में यानी लड़के के फेवर में अगर सेक्शन 9 की डिक्री हो जाती है तो उसमें डिग्री में ये होता है कि सामने वाला जो है जिसके विरुद्ध में डिग्री पारित हुई है वो आए और संबंधों की पुनर्स्थापना करे। तो ये कोई जरूरी नहीं है, और CPC 21 ऑर्डर 21 रूल 32 के तहत में ये कहा गया है कि अगर कोई भी सेक्शन 9 की डिग्री या पारित की जाती है तो वो एग्जीक्यूट नहीं कराई जा सकती। हाँ, इन द केस अगर ये डिक्री अगर महिला के फेवर में हो जाती है तब भी ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये महिला के फेवर में अगर हो जाती है तो डिक्री तो एग्जीक्यूट नहीं होगी, लेकिन जो लड़के की जो प्रॉपर्टी है वो अटैच कर दी जाएगी। उस पे एक मंथली मेंटेनेंस जो होता है वो बांध दिया जाएगा उस महिला के लिए। लेकिन लड़कों के मैटर में ऐसा नहीं है। अगर लड़के को अगर डिग्री पारित हो जाती है, लड़के के फेवर में डिग्री पारित हो जाती है, तो लड़के को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा उसकी पत्नी से, ना वो अपनी पत्नी की प्रॉपर्टी अटैच करवा पाएगा। और दूसरी बात कि अगर सेक्शन 9 की डिग्री अगर लड़के के फेवर में है तो आप 1 साल के पीरियड तक आप तलाक फाइल नहीं कर सकते। तीसरी चीज ये है कि अगर आपके फेवर में अगर सेक्शन 9 की डिक्री अगर आ गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिजर्शन हो रहा है, वो डिजर्ट कर रही है। इसके लिए आपको 1 साल का वेट करना पड़ेगा। उसके लिए भी आपको बीच में नोटिस जारी करने पड़ेंगे कि आइए आप, आइए आप, आइए आप, लेकिन आप बॉन्ड नहीं कर सकते, आप कोर्ट में ये नहीं कह सकते, ना तो आप उसके खिलाफ में कंटेम्प्ट फाइल कर सकते हैं कि नहीं साहब, कोर्ट ने डिग्री पारित कर दी और ये आके हमारे साथ नहीं रह रही है। लेकिन महिला के केस में क्या होगा कि अगर सेक्शन 9 की डिग्री उसके फेवर में हो जाती है तो वो लड़के की प्रॉपर्टी को अटैच करवा सकती है, उसको सीज करवा सकती है, कुड़क करवा सकती है। उससे जो पैसा आएगा उससे वो मंथली इनकम भी वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और कभी कभी लड़के क्या करते हैं कि सेक्शन 9 का परिवाद फाइल कर दिया तो सामने वाली जो अपोजिट पार्टी होती है यानी जो लड़की पक्ष होता है वो क्या करता है, 24 का केस फाइल कर देता है। उसी में आके प्रार्थना पत्र देते हैं, साहब हमें आने जाने का गुजारा भत्ता में चाहिए, वकील का खर्चा चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। तो एक नया बर्डन होता है। तो मेरे ख्याल से सेक्शन 9 का कोई ज्यादा यूज नहीं है, कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है, खासतौर से लड़के के लिए। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जिस दिन से डिजर्शन हुआ है उस दिन से 2 साल का पीरियड देखो, उसके बाद में डिजर्शन और क्रेल्टी के आधार पर आप डाइवोर्स फाइल करो। सेक्शन 9 का मुझे कोई ऐसा यूज समझ में नहीं आता है। अगर आपके अगर दिमाग में कोई आइडिया आ रहा हो इसके संबंध में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और
इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि कि जानकारी लोगों तक जाए। धन्यवाद।